हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको बता दूं, अभी जून के माह में रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी का पेपर होने जा रहा है। उसका सिलेबस मैंने चेक किया, उसके सिलेबस में मैथमेटिक्स देखा। मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक्स उसके हैं, मेंस्ट्रुएशन है, विविध है, टाइम एंड डिस्टेंस है और बहुत सारे टॉपिक्स पे कुछ क्वेश्चन पूछा। तो फिलहाल मैंने देखा कि टाइम एंड डिस्टेंस इससे दो या तीन क्वेश्चन को पूछेगा। तो टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में अपन जानकारी ले लें, तो दो या तीन नंबर हमको मिल ही जाए, ऐसे क्या करें। तो इसका बेसिक फार्मूले हमको मालूम होना चाहिए। बेसिक फार्मूले मालूम होंगे तो इससे संबंधित या इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज होगी, क्वेश्चन आंसर होंगे, उसको अपन सोल्व करेंगे। उन सोल्व करने के लिए जो क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन के पर्टिकुलरली जो ट्रिक होंगी वो हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हमको ये मालूम होता है कि वो टाइम एंड डिस्टेंस मतलब कहना चाहिए कि समय और दूरी, समय और दूरी से संबंधित आपको फार्मूले मालूम होना चाहिए। तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसके सूत्र होते हैं और उसको हम जानते रहते हैं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में एक आपको लाल कलर की छोटी सी बटन दिखेगी सब्सक्राइब की, उसको आप प्रेस कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो इससे संबंधित होंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन लेते हुए आपके लिए जो तैयार किए गए वो आप तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए आज अपन चलते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। इससे संबंधित टाइम एंड डिस्टेंस एंड डिस्टेंस टाइम एंड डिस्टेंस जो है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है ये आपके पास दो या तीन आ सकते हैं, दो या तीन आ सकते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ध्यान दें। सबसे पहले तो हमको मालूम होना चाहिए चार, चाल की डेफिनेशन क्या है। तो किसी व्यक्ति या वाहन द्वारा इकाई समय में या एकांक समय में, तो एकांक समय में तय की गई दूरी को उस व्यक्ति या वाहन की चाल कहते हैं। यह हुई डेफिनेशन, किसी व्यक्ति या वाहन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, वाहन की हो चाहे वस्तु की हो या फिर व्यक्ति की हो, चाल कहलाती है। यहां तक क्लियर? अब चाल की परिभाषा क्या होती है? चाल बराबर होता है दूरी के बटे समय होता है। अब यदि मान लीजिए हम इससे संबंधित को सूत्र निकालें, तो अगर दूरी यहीं पर रहते हैं हम सपोज, तो ये दूरी बराबर हो जाएगा कि चाल ऐसा और गुणज जाएगा समय, गुणज जाएगा समय। अब यदि मान लीजिए हम कहते हैं कि समय का हमको यहीं पर रखना है, तो ये समय हम यहाँ पर रख देंगे इस तरीके से, तो यह हो जाएगा दूरी बटे चाल हो जाएगा। अगर हम समय यहाँ रख देते हैं तो यह हो जाएगा दूरी, ये हो गया दूरी, तो दूरी बटे यह कुछ ये हो जाएगा चाल, ये हो जाएगा चाल। ये तीन सूत्र हमको मालूम होना चाहिए इससे संबंधित, समय, दूरी और चाल। इससे संबंधित तीन चीजें हैं, तीन चीजें जब सरकार दो चीज दी रहती है तो तीसरे को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में आता है एक सेकंड सापेक्ष चाल। क्या आता है? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होती है? सापेक्ष चाल किसी एक व्यक्ति या वस्तु की चाल दूसरे व्यक्ति या वस्तु की चाल से संबंध बताए तो यह सापेक्ष चाल कहलाएगी। एक व्यक्ति की चाल या वस्तु की चाल, व्यक्ति या वस्तु की चाल का संबंध दूसरे व्यक्ति की वस्तु, व्यक्ति की या वस्तु की चाल का संबंध बताए। एक व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति से, एक व्यक्ति की चाल का संबंध दूसरे व्यक्ति की चाल से बताए, या वस्तु, व्यक्ति ले सकते दोनों या वस्तु ले सकते हैं, अर्थात किसी एक व्यक्ति या वस्तु की चाल का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु की चाल से बताया जाए तो ये सापेक्ष चाल कहलाती है। इस तरीके से ये हमारे सामने छोटे से फॉर्मूले। अब इससे संबंधित हमारे पास आती है क्वेश्चन, और जब ये क्वेश्चन हम करते हैं तो क्वेश्चन को करते समय ये ध्यान रखें कि कौन से दो पदार्थ हैं, कौन से दो व्यक्ति हैं, कौन से दो वस्तु हैं, और ये अनुपातिक रूप से चल रही हैं। सपोज करो एक गाड़ी ए है, इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी गाड़ी अगर चल रही है जिसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस तरह से ये वस्तुओं या वाहनों की या व्यक्तियों की
चालीस 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये इनकी चाल है, और एक का दूसरे से संबंध बताया जाना ये सापेक्ष चाल के अंतर्गत आता है। अब सवाल उठता है कि इससे संबंधित हम जो क्वेश्चन करेंगे तो ट्रिक अटेंड करते जाएंगे, ट्रिक लगाते जाएंगे, वो क्वेश्चन हल करते जाएंगे, बड़ा इजी हो जाएगा। तीसरा ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया सापेक्ष चाल का। तीसरा ये आता है कि जो चाल होती है चाल की यूनिट क्या होती है, चाल की यूनिट क्या होती है, हिंदी में इकाई क्या होती है। तो चाल की इकाई जो होती है किलोमीटर जो होता है ये प्रति घंटा होता है, या ए ना बोल के हम बी बोले किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट कर दे तो मीटर प्रति सेकंड होता है। अब यहां पर जो किलोमीटर होता है ये 1 किलोमीटर का 1000 मीटर हो जाता है, और ये 1 घंटे का 60 मिनट हो जाता है, और 60 मिनट में अगर हम 60 का और गुणा कर दें तो ये सेकंड में हो जाता है, ये सेकंड में हो जाता है। तो हमको यूनिट याद रखना है। अब सवाल ये उठता है कि यदि मान लीजिए हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो या किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात आती है कि 5/18 हम इसमें गुणा कर देंगे, किसमें, मीटर से यदि हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्यों कर देते हैं, क्योंकि यदि मान लिया हमने बोले कि ये है सेकंड, तो अब ये कन्वर्ट कर रहा है मीटर सेकंड में, तो क्या होता है सेकंड का होता है 3600, कितना होता है 3600। और यदि मान लिया ऊपर सपोज करो हमारे पास था 1000 मतलब क्या था मीटर था मीटर, तो ये हमारा मीटर में है और ये हो गया हमारा सेकंड में, यहाँ 200 से 200 ये कट जाते हैं, इस तरीके से 2 × 10 = 2 = 18 = 36। तो 5/18 का इसमें इंटू किया जाता है कि जब इसको एक यूनिट से सेकंड यूनिट में चेंज करना होता है। ये तीन बातें आप इसके लिए विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, कभी कभी फॉर्मूले पूछ सकता हूँ, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो करना है उसमें, तो बहुत मतलब ब्रेन का यूज करना है कि कौन से टिक से है। अब सपोज करो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन फॉर्मूले तो ये बेस्ड ही है, लेकिन उन क्वेश्चंस को अलग अलग मतलब किसी में चाल ज्ञात करना, किसी में दूरी ज्ञात करना, रेशियो में दिए हैं कितना है, किसी को कन्वर्ट करना है, ये तो ठीक है, वो तो क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फॉर्मूले ही अगर वो दे दे मान लीजिए सपोज करें, तो वो हमको ये भी मालूम होना चाहिए सापेक्ष चाल क्या होती है और यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो ये आज आपने ये सीखा, जो कि आप इसको शुरू से आगे तक देखते रहे अच्छा है, सब्सक्राइब की बटन दबाइएगा और नेक्स्ट वीडियोस आप तक आते रहेंगे, आप इसका प्रॉफिट उठाइएगा, और इस जानकारी को अच्छे लगने पर लाइक और शेयर भी करिएगा, और इस लिंक को अपने फ्रेंड्स तक के पहुंचाइएगा, और आप सक्सेस होइएगा। गुड रिजल्ट्स फॉर योर करियर, ऑल द बेस्ट।